अरे गाइस यार, ये सिंचैन के लिए मैं टिफिन बॉक्स लेना भूल गया। वो स्कूल में आज बिना लंच करे रहेगा। मेरे हिसाब से काम करता हूँ, उसके लिए कुछ बढ़िया से स्नैक्स ले लेता हूँ। घर पे मैंने रखे हुए थे अपने फ्रिज में। जल्दी जल्दी चलते हैं। बात तो सही है ऑफिसर तुम्हारी, ये कार बिल्कुल इलीगल है। अरे ये क्या गाइस, ये बंदा कौन है? अरे सर, आप मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? सब कुछ बढ़िया? कुछ बढ़िया नहीं है, ये जिसका भी घर है इसके अंदर बहुत लीगल माल भरा पड़ा है। इसका घर अब ये सरकार को जाएगा और जो भी इंसान इसके घर के अंदर रहता है उसको जिंदगी भर गरीब बन के रहना होगा। अरे गाइस ये क्या, ये बोल रहा है कि इस घर का मालिक मतलब मैं गरीब बन के रहूंगा क्योंकि मेरा घर मुझसे छीन रहा है, और इसके घर के अंदर कौन से लीगल माल आ गए? क्या बोल रहे हो? तू यहाँ से निकल जा, तू ही इसका मालिक है। अभी पुलिस को बुलाऊंगा मैं भी पुलिस वाला हूँ वैसे, चल अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा गाइस, ये क्या जबरदस्ती है, ऐसे तो मैं यार जिंदगी भर गरीब। अरे सर ऐसे क्या कर रहे हैं आप? चल निकल नहीं तो गोलियां बजाऊंगा तुझ पे। अरे गाइस अच्छा ठीक है, मैं जब बस एक सामान लेना। क्यों जा रहा है अंदर? अरे बाप रे गाइस, जल्दी जल्दी चलता हूँ ना। आप लोग प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, नहीं तो मैं जिंदगी भर ऐसी गरीब रह जाऊंगा। बेचारे सिंचैन को कहाँ रखूंगा? गाइस एक काम करता हूँ, मैंने अपनी तिजोरी में कुछ पैसे रखे थे, उन पैसों को निकाल। अरे ये क्या गाइस, नहीं एक भी रुपया नहीं रहा। मेरे घर में चोरी हो गई और मुझे पता नहीं चला। ऊपर से पुलिस मेरी मदद करने की जगह मुझे मेरे घर से भगा रही है। ये सब लोग बहुत ही क्रूअल कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत ही बुरे हो गए। कोई नहीं गाइस, हमें काम करते हैं। अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये पुलिस वाला नहीं तो मुझे मार देगा। इसको मारने तक के ऑर्डर मिल गया मुझे। पता नहीं मेरा बेचारा चॉप भी कहाँ चला गया और सिंचैन भी कहाँ चला गया। हे ऑफिसर, मेरा एक छोटा भाई है, वो कहाँ पर है? अरे हाँ याद आया, वो तो स्कूल गया था ना गाइस, मैं उसके लिए टिफिन बॉक्स लेने आया था। गाइस टेंशन में यादें भी नहीं रहती आजकल मुझे। चलो एक काम करते हैं, हम सिंचैन के स्कूल की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ ये क्या गाइस, तो सिंचैन की आवाज आ रही है, लेकिन सिंचैन तो स्कूल। हाँ रे ये क्या कर रहा है सिंचैन, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे भैया अब क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अरे बाप रे। अरे सिंचैन क्या हो गया तुझे? अरे मैं स्कूल गया था, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की उन लोगों ने और मुझे भगा दिया, बोला कि तू एक चोर का भाई है। क्या, मैं कौन सा चोर हूँ? हमने एक एक पाई जमा करके अपना घर बनवाया था यार, उन लोगों ने हमसे हमारा घर छीन लिया, हम तो बिल्कुल गरीब हो गए। अब क्या करेंगे फ्रेंकी भैया, कहाँ जाएंगे? तो चिंता मत कर, हमारे पास एक बहुत कमाल का आइडिया है। सबसे पहले हमें एक कार चुरानी है, ये दुनिया वाले वैसे हमें चोर बोल रहे हैं, हम एक कार चुराते हैं। कार चुराने के बाद एक ऐसा इंसान है जो गरीब लोगों के साथ कॉन्टेस्टेंट करवाता है, अगर वो उस कॉन्टेस्टेंट में हम जाके भाग लेंगे तो शायद अगर हम जीत गए तो हम अमीर बन सकते हैं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, वो अमीर आदमी बहुत बड़े दिल वाला है, गरीब लोगों को चांस देता है अमीर होने का अपने जैसे। अरे फिर तो मजा आ जाएगा, जल्दी चलिए। यार काफी दूर है, कहीं इस गाड़ी का मालिक हमें देख ना ले, इसलिए हम और स्पीड में जाएंगे सिंचैन। अरे आप कार अच्छी नहीं चलाते, आराम आराम से चलाना प्लीज, मुझे ठुकना नहीं है। तुझे नहीं ठुकना है, तू चिंता मत कर। गाइस हम अभी के अभी चल रहे हैं उस बंदे के पास जो हमें मैच में कॉन्टेस्टेंट में ऐड करेगा, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। याद आया उसका घर तो बहुत ही दूर है, तो काम करते हैं हम शॉर्टकट ले लेते हैं यहाँ से, क्या बोलता है सिंचैन? हाँ बिल्कुल ले लो शॉर्टकट, बहुत बढ़िया रहेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ आराम से, बस 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 यहाँ पर मैं देखिए कैसे शॉर्टकट लेता हुआ जा रहा हूँ। आप सेम रोड पे किस तरह से शॉर्टकट ले रहे हैं बताएंगे? अरे सिंचैन यही तो मेरा स्टाइल है, देख ऐसे ऐसे करके शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं। आप और समय को बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलिए बकवास आदमी। तो आ गया ना सिंचैन, देख सिंचैन यहाँ पर ये बहुत सारे लोग हैं और ये बहुत ही ज्यादा गरीब लोग होंगे मेरी तरह। ए भाई मेरी बात सुनो। क्या बात है? अरे मुझे असल में ये मेरा छोटा भाई और मुझे एक बहुत ही कमाल का कॉन्टेस्टेंट चाहिए जिसमें हम भाग लें और उस कॉन्टेस्ट में हम जीत जाएं और हम अमीर बन जाएं। अच्छी बात है, तो ऐसा तो एक आदमी जो तुम्हें कॉन्टेस्ट में जितवा सकता है। वो कौन है प्लीज मुझे बता दो, मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है भैया ठीक है, तो ये छोटा बच्चा भी है? हाँ ये छोटा बच्चा भी कॉन्टेस्ट में जीतेगा। ऐसी बात है, काम करो पहले तुम आ जाओ, जिससे छोटे बच्चे तुम भी आ जाओ, तुम्हें लेकर चलते हैं सिंचैन के पास। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आदमी है, प्लीज हमें ले जाइए। आ जाओ तुम पीछे आ जाओ, मुझे घबराने में बात नहीं है, आ जाओ आ जाओ, तुम अमीर बनवाते हैं, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गाइस ये बंदा तो बड़ा ही अच्छा निकला यार। अरे इसी कोई तारीफ वारीफ करने की जगह नहीं है यहाँ, बहुत बढ़िया हमारा काम है। अरे बाप एक काम करो, वो इंसान रहा मारो उसको पैसा को। अरे ये क्या गाइस, नहीं इसने तो हमें फंसा दिया। आज जल्दी पैसा निकाल, नहीं तो मेरी जान तुझे खत्म कर देगी समझ। हम बहुत पैसा कमाते हैं, अमीर बनते हैं फिर दूसरे को अमीर बनाते हैं। अरे गाइस मैं तो ऑलरेडी अब गरीब हूँ, मुझसे क्या जीत लोगे तुम? जल्दी पैसा निकाल, नहीं तो बच्चा मार देंगे। अरे बाप रे भागे भागो 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 भागो। अरे बाप रे गाइस ये कहाँ पर आ गए हम लोग, भागो यहाँ से, ये तो फ्रॉड हो गया हमारे साथ, ये तो हमें उल्टा और गरीब कर
कर देगा। चलो निकलते हैं यहाँ से, जिंदगी भर गुलाम बना के रखेगा, अब क्या करें। अरे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बता क्या आइडिया है। हम झाड़ू पोछा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। पागल है क्या, उससे क्या कर लेंगे, कितना पैसा कमा लेंगे। मुझे तो बिलियनियर बनना है, उसके लिए हम किसी बिलियनियर के साथ काम करेंगे तो ही बन पाएंगे। वो कौन है? वो तो हमारे शहर में एक ही शख्स है। सही कह रहा है गाइस, क्यों ना हम आयरन मैन मेरा मतलब टोनी स्टार्क के पास जाएं, वो हमारी मदद कर सकता है। अगर वो हमको जॉब दे दे तो गाइस हम बिलियनियर बन सकते हैं, 100-200 साल में तो बन जाएंगे। क्या 100-200 साल में, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ ये तो है यार, हमें बहुत जल्दी बनना है बिलियनियर। अब 100-200 साल में बनेंगे ना, अगर फ्रैंकलिन इस हिसाब से काम करेगा तो। कोई नहीं गाइस, जल्दी जल्दी चलते हैं। मेरा नाम भी फ्रैंकलिन नहीं, अगर मैं बिलियनियर नहीं बना अगले 100 सालों में। आओ फ्रैंकलिन आओ, ये देखो मैंने जिम घर पे स्टार्ट कर दिया, बढ़िया लग रही है बॉडी छोड़ी। अरे सच बताऊं तो एकदम फुद्दू लग रहे हो। क्या बकवास कर रहा है सिंचन? अरे सिंचन चुप रहे, क्या सारा इंप्रेशन खराब करवाएगा? कुछ नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या बात है, पहली बार तारीफ, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए बता जल्दी अब मुझे। असल में मुझे जॉब चाहिए। असल में मेरी एक कार है, एक शोरूम वाले ने चुरा ली थी और उसको बेच रहा है, वो पूरे 32,000 करोड़ की है। ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, उस कार को मैं वापस लाता हूँ। गाइस 32,000 करोड़ की कार हम लेने जा रहे हैं, उसमें से हमें कम से कम 100-200 करोड़ तो दे ही देगा। वाह मजा ही आ जाएगा। अरे आप सपने देख रहे हैं, टोनी स्टार्क बहुत बुरा आदमी है, वो इतने पैसे नहीं देगा, आपसे फ्री में काम करवाएगा। ऐसी बात नहीं है सिंचन, हम अभी कभी वो शोरूम पे जाएंगे और टोनी स्टार्क की उस कार वापस लेके आएंगे और उसके बाद हम बन जाएंगे बिलियनर। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, समझा तू? ऐसा चलो ठीक है, अभी ट्राई करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा खुद ही। तो गाइस यहाँ पर मैं उस शोरूम पे आ चुका हूँ, देखिए यहाँ पर एक से एक लाजवाब कार है। आ भाई आओ, कार बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम जमाजम कार, एकदम इलीगल, मतलब लीगल कार, लीगल कार। ऐसी बात है क्या, एकदम लीगल कार है? वाह गाइस यहाँ पे बाइक्स भी हैं, एक नहीं कितनी सारी बाइक हैं यार, और साथ साथ में ये कार्स हैं। एक मिनट, टोनी स्टार्क की कार को तो नहीं है बीच में जी? ए भाई मेरी बात सुनो, मुझे सबसे महंगी कार चाहिए यार, मुझे इतना सस्ती चीज़ पसंद नहीं है। भाई तुम्हारे पास कपड़े तक तो है नहीं, कार कैसे खरीदोगे? अरे मेरा स्टाइल है, मैं कपड़े वपड़े नहीं पहनता, मैं सीधा कारें पहनता हूँ। कारें? कार कैसे पहन लोगे भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? मेरा मतलब मैं कार में बैठ के जाता हूँ, एकदम करोड़ों की कार, मुझे कम से कम यही कुछ 10-20 हज़ार करोड़ की कार चाहिए। ओ बिल्कुल, हमारे पास ऐसा एंटिक पीस है, कौन सा भी जल्दी बताइए, हमारे फ्रेंडी भैया बहुत बिजी हैं, आपको बता भी है, एक सेकंड में 10,000 करोड़ डॉलर कमा लीजिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, कहा गुंडा वुंडा होगा कहीं के? ऐसी बात नहीं है, बस ऐसी ये टोनी स्टार्क है ना, वो आयरन मैन, वो मेरे नीचे ही काम करता है। अरे वो तो बहुत खतरनाक आदमी, फिर नहीं दे रहा हम कार। अरे ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं, वो तो मेरा दुश्मन है। फिर सही है, फिर सही है। अब एक बार बताओ पेमेंट कैसे करोगे? भाई इतने सारे पैसों की कार है, 30,000 करोड़ की, तो एक साथ से भी पेमेंट नहीं कर सकते। तू चिंता मत कर, मेरे आदमी आएंगे तो पैसे दे देंगे। चल भाग सिंचन जल्दी जल्दी। अरे वाह, मैंने देखा कितनी बढ़िया बात मई थी, तूने कुछ ज्यादा नहीं कह दिया था, एक मिनट में 10,000 करोड़ डॉलर। वो तो ऐसे ही बोल गया। चुप रहे पागल, सार जगह मेरी बात बिगड़वाता रहता है। गाइस चलो हम जल्दी जल्दी जाते हैं और जाकर टोनी स्टार्क को एक कार दे देंगे, इससे पहले कि वो शोरूम वाला मेरे पीछे पड़ जाए, क्योंकि उसको अब तक तो यकीन हो चुका होगा कि मैं बिल्कुल खच्चर भिखारी आदमी और बिल्कुल बेकार छोटे भाई के साथ बिलोंग करता हूँ। क्या बकवास, मुझे इंक्लूड कर रहे हो अपने साथ, आपको छोड़ूंगा नहीं फ्रेंडली भैया, एक बार मुझे अमीर बनने दो। मेहनत मैं कर रहा हूँ, तू क्या अमीर बनेगा? हाँ वैसे भी आपका पेशा मेरा पेशा बराबर हो गया ना। हाँ ये भी ठीक है। चलो गाइस अब स्टॉक को वाली कार देते हैं और उससे बोलते हैं भाई निकाल हमारे 100-200 करोड़ कम से कम। स्टॉक मेरी बात सुन भाई, तेरी 32,000 करोड़ की कार आ गई है, मैं सोच रहा हूँ 2,000 करोड़ तू मुझे दे दे, बाकी 30,000 करोड़ वाली कार तू रख ले। ओ क्या बात है फ्रैंकलिन, कुछ ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है तुम्हारी, पहले देख तो लूँ कार सच में है भी या फिर ऐसी पोपट बना रहे हो। अरे सच में कार है फ्रैंकलिन भैया की टकली की कसम। अरे सिंचन चुप रहे यार, बाल है मेरी टकली पे। हाँ अरे चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और जाकर देखते हैं कि असल में कार कितनी कमाल की है, मैं भी तो देखूं। क्या सिंचन तूने कार देखी नहीं है? अरे देखी है, मतलब उसी में तो बैठ के आया हूँ। हाँ ठीक है अभी पता चल जाएगा, देखे तो सही गाइस मेरी 32,000 करोड़ वाली, वाह बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया कार है यार, मतलब इतनी बढ़िया है कि दिख भी नहीं रही है। यहाँ कार तो वैसे थी, टायर्स दिख रहे हैं कार के, इसका मतलब फ्रैंकलिन झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन कार गई कहाँ पर? ए फ्रैंकलिन इधर आ, आ रहा हूँ, क्या हुआ, ज़्यादा पसंद आ गई क्या ये क्या? अरे बाप रे कार क्या गई, सिंचन बाहर निकल। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तूने इस रोकी से कार चुरवाई है ना? क्या मैं क्यों चुरवाऊंगा, मैं तो आपके साथ था ना।
साथ तो सही कह रहा है, तू और मैं दोनों ही भिखारी हैं, हम क्यों कार चुरवाएंगे। तो एक काम कर फ्रैंकलिन, मैं तो तुझे यकीन करता हूँ कार यहाँ पे थी, क्योंकि मुझे टायर्स दिख गए, उसके निशान, वो मेरी गाड़ी के ही टायर हैं, लेकिन कोई ज़रूर चुरा के ले गया है। जल्दी जा, और तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ एक दो दिन के अंदर तुझे मेरी कार वापस लानी होगी, तभी जाके मैं तुझे 2,000 करोड़ डॉलर दूंगा। क्यों, सच में 2,000 करोड़ डॉलर? अरे वाह बल्ले बल्ले, हम तो बहुत ही खतरनाक मिलियनेयर बन जाएंगे। और एक दिन गाइस बिलियनेयर भी बनूंगा मैं, अभी समय आ गया है मिलियनेयर बनने का। तो चलो गाइस, टोनी स्टार्क ने हमें ये ऑडी दी है कुछ टाइम के लिए, जिससे कि हम उसकी 32,000 करोड़ की कार को लेके आए। चलो बैठते हैं इसमें भी। वैसे फ्रैंकलिन भैया एक बात पूछूं, हाँ, उस कार में ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी है? ये बात तो मैं भी सोच रहा था, मुझे लगता है गाइस कहीं ना कहीं वो कार जरूर गोल्ड की बनी होगी, तभी इतनी महंगी है, नहीं तो कोई कार इतनी महंगी हो ही नहीं सकती यार। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्यों ना वो कार हम ही चुरा ले। पागल है क्या, टोनी स्टार्क पटक पटक के मारेगा हमें। हो सकता है वो किसी तरह का टेस्ट ले रहा हो हमसे उस कार को दिखाने के लिए कि हम ईमानदार हैं नहीं, लेकिन फिलहाल तो हमें 2,000 करोड़ ले रहे हैं, इसलिए हम उसकी कार उसे लाके देंगे। ऐसी बात है, ठीक है। हाँ भैया, कार ध्यान से लेकर आना। अरे गाइस एक मिनट, ये तो उसी की आवाज आ रही है, ये तो शोरूम वाला बंदा ये है। तूने कार कहाँ फेंक दी? गाइस यार ये तो मिलिट्री बेस के जेट के पास खड़ा है, कहीं इसने कार कहीं और डिलीवर ना कर दी हो, अरे परेशानी हो जाएगी। ए भाई क्या कर रहा है? अरे हमने वो कार बेच दी, वो अभी का अभी जेट के अंदर बैठ के गई है। जेट इतने छोटे होते हैं, कार कैसे आ जाएगी? अरे बड़ा वाला जेट स्पेशल था, अच्छी कमाल की कार है, कौन नहीं खरीदेगा, सीधे 40,000 करोड़ में बेची है। अरे नहीं गाइस, कहाँ बेच दी? हमने एक बहुत बड़े माफिया को कार बेची, हम तुम्हें को बताएं? अरे नहीं गाइस, अब तो मुझे उस कार को किसी भी हालत में लाना होगा और 2,000 करोड़ लेने होंगे, और साथ साथ में अब ये काम हम पार्ट 2 में ही कर सकते हैं, इसलिए कमेंट में आप पार्ट 2 लिखो, हम पार्ट 2 में उस कार को जरूर ढूंढेंगे।